हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है एक बार पढ़ लेते हैं और समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है थ्री आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, तीन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है क्या है, सेम है। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब यही होता है। तो तीन रेजिस्टेंस दिया हुआ, जैसे रेजिस्टेंस ए, रेजिस्टेंस बी एंड रेजिस्टेंस सी आर कनेक्टेड इन ए बैटरी। जैसे कि फिगर में अभी आप देखोगे, सोन इन फिगर 4.7 द हीट प्रोड्यूस इज। तो पूछ रहा है कि हीट किस में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तीनों रेजिस्टेंस में किस में ज़्यादा होगा। तो जैसा कि आपको मैं फिगर लगाया, फिगर देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या तीन रेजिस्टेंस है, ये R1, ये R2 और ये आपका R3। लेकिन तीनों रेजिस्टेंस क्या है, आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। तो सेम है का इसका मतलब क्या है, वैल्यू रख सकते हैं। इसका भी 1, इसका भी 1 ओम, इसका भी 1 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों का वैल्यू क्या है, आइडेंटिकल करने का मतलब तीनों का वैल्यू सेम है। ठीक, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, और इसको एक बैटरी सप्लाई से, यहाँ पर एक बैटरी सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो बताना है आपको किस रेजिस्टेंस में, मतलब किस रेजिस्टेंस में, या इसको आर ए नाम दे दो, इसको आर बी नाम दे दो, इसको आर सी नाम दे दो, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि किस रेजिस्टेंस में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो एक बात बताओ, जब बैटरी से हम कनेक्ट किए हैं तो कुछ करंट फ्लो होगा सर्किट में, सर्किट करंट मान लेते हैं आई है। ठीक है, तो कुछ करंट फ्लो होगा, कुछ करंट जब फ्लो होगा फ्रेंड्स, तो एक बात बताओ, ये पैरेलली कनेक्टेड है। थ्योरी सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्या है हमारा, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस को क्या है, ये दो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या है, आर बी जो है पैरेलल विथ क्या है, आर सी के पैरेलल है, और आर ए क्या है, ये दोनों के सीरीज में है, ये आर ए। तो एक बात बताओ, ये करंट यहाँ तक जाएगा, ये करंट यहाँ जाएगा, लेकिन ये करंट क्या होगा, जैसे इस सर्किट में जाएगा पैरेलल सर्किट में, तो ये इसमें क्या होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होगा। तो मान लो कि आई करंट हमारा यहाँ से हम लेते हैं क्या, 6 एम्पियर लेते हैं, या नहीं उतना लेना है तो 1 ही ले लो, नहीं चलो इसको लेते हैं ऐसे 2 एम्पियर समझने के लिए। ठीक है, तो 2 एम्पियर अगर हम करंट ले लेते हैं फ्रेंड्स, 2 एम्पियर अगर हम सर्किट करंट मानते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 2 एम्पियर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब ये 2 एम्पियर जाएगा फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, ब्रेक होगा, क्या कि दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, तो इसमें 1 एम्पियर और इसमें भी क्या जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा ना, आर सी और आर बी में 1 एम्पियर जाएगा करंट। तो एक बताओ, हम क्या जानते हैं हीट का फॉर्मूला, क्या जानते हैं, यहाँ पर देखते हैं हीट का फॉर्मूला जानते हैं कि वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि हीट फॉर्मूला अगर आई के रिस्पेक्ट में आई स्क्वायर आर टी जानते हैं, तो हम आर टी को अगर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट बना ले, कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर का हो जाता है हीट। ठीक है, तो एक बात बताओ, करंट का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि आई है, I1 है और I2 है। ठीक है, तो ये इस दोनों से बन रहा है जोड़ के, तो I1 क्या है, 2 एम्पियर है, और ये 1+1 एम्पियर है, और ये जो 2 एम्पियर करंट, वो किस में फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है किस में, ये फ्लो हो रहा है आपका आर ए में, और ये करंट किस में फ्लो हो रहा है, आर बी में, और ये करंट फ्लो किस में, आर सी में। तो बोलो करंट किस में ज़्यादा फ्लो हो रहा है, आर ए में फ्लो हो रहा है, इस दोनों के कंपेयर में हो रहा है। तो जब करंट ज़्यादा, तो हमारा क्या होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए जो हमारा आर ए रेजिस्टेंस में क्या होगा, अगर आर ए रेजिस्टेंस में अगर हीट देखे तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि इसका आई क्या है, ग्रेटर है, तो इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा किसके तुलना में, आर बी और आर सी के तुलना में। समझ में आया होगा फ्रेंड्स, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा कि मैक्सिमम हीट किस में प्रोड्यूस होगा, आर ए में। ठीक है,
तो वीडियो आपको फ्रेंड्स अगर समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कि सॉल्यूशन समझ में आता है कि नहीं, और अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो फ्रेंड्स जरूर करके सब्सक्राइब कीजिए मुझे मोटिवेट करने के लिए फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्या बोलना चाहता है। बोलता है टू इलेक्ट्रिक लैंप्स, ठीक है, हुज रेजिस्टेंस आर इन रेशियो 1:1:2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब दो बल्ब है, ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो आपको दिया हुआ है 1:2, और दोनों रेजिस्टेंस जो है, दोनों बल्ब या रेजिस्टेंस बोलिए, कनेक्ट कैसे है पैरेलल में, किससे कनेक्ट, और उसको एक सप्लाई दे रहे हैं कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से। पावर डिसिपेटेड बाय देम आर इन द रेशियो, जो पावर वो दोनों मिलकर डिसिपेट कर रहा है बल्ब, उसका रेशियो में बताना है। तो देखिए कैसे होगा फ्रेंड्स, तो समझते हैं। देखिए आपको फिगर से समझा देते हैं। दो बल्ब है और दोनों बल्ब क्या है, दोनों बल्ब कनेक्टेड है पैरेलली, और इसको एक सप्लाई से, बैटरी सप्लाई से जोड़ दिया गया है। ठीक है, 20 वोल्ट मान लेते हैं जोड़ा गया है, इसमें कुछ करंट फ्लो आई, ये बल्ब क्या है 1 और ये बल्ब क्या है 2 है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये R1 मान लेते हैं, इस बल्ब का रेजिस्टेंस R2 मान लेते हैं। तो R1/R2 मतलब दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस आपको क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है कितना, 1:2 रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिया हुआ। तो एक बात बोलिए, अगर हम वी नो डैट, अगर हम लिखते हैं पावर का फॉर्मूला वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में, तो क्या होता है V²/R होता है ना। तो अगर हम लिखे फोर बल्ब वन के लिए अगर ये फॉर्मूला लिखे तो क्या होगा, P1 = कांस्टेंट वोल्टेज दे रहे हैं तो V² और R1 लिख दिए, और हम लिखे अगर फोर बल्ब टू के लिए तो P2 = V²/R2 हो जाएगा फ्रेंड्स। दोनों के लिए तो वही होगा, ये वाट में और ये वाट में। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो वी गेट हमको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, अगर डिवाइड कर देते हैं तो P1/P2 = क्या हो जाएगा, V²/R1/V²/R2 ये हो जाएगा। तो V²/R1 × R2² / V², तो V² से V² कट गया, कटाना फ्रेंड्स। तो P1/P2 = क्या हुआ, R2/R1 R2 का मान कितना है रेशियो में, 2, और R1 का मान है 1। ठीक है, तो हमारा पावर का जो रेशियो आ गया वो क्या आया, 2:1 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, यही आपको निकालने बोल रहा था, आपने निकाल दिया, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को क्या कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसा आपको सॉल्यूशन लगता है मेरा पढ़ाया हुआ। और आप अगर आप न्यू हैं चैनल पर फ्रेंड्स, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।